मेरे पास नहीं है कोई साथ। ओके तो गाइस कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार के स्टेटस वाले वीडियो को आप कैसे बना सकते हो अपने फ़ोन से। तो गाइस मैं आपको बता दूंगा, अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस वाली वीडियो को बनाना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। गाइस मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप इस तरह का स्टेटस वाली वीडियो नहीं बना पाओगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आपको जो मेरे काइन मास्टर की और एक फ़ोटो के जिसका बैकग्राउंड इरेज हो, अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं है तो आता तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वीडियो को देख के सीख सकते हो। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए काइन मास्टर में आपको आगे का एडिटिंग सिखाता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना और 9216 का साइज सेलेक्ट कर लेनी है और मीडिया क्लिक करना और बैकग्राउंड जाना और वाइट कलर का बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसका लेंथ बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़े थोड़े दूर में जाकर आपको इसमें एक कट लगाना है, जो कि मैं जैसा मैं लगा रहा हूँ उस टाइप से आपको एक कट लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्राफिक्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ गेट मोड पे जाना है। गाइस गेट मोड पे जाने के बाद आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट स्लाइडर, ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है गेट मोड पे जाके। आप मतलब आपके काइन मास्टर में ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो फीचर से नहीं मिलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप इंटरनेट खोल के डायरेक्टली जाके गेट मोर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड कर लेना उसका सारी जो जितना भी बैकग्राउंड है सब में आपको एक एक अलग अलग करके ऐड कर लेना है। सब में सेम ऐड नहीं करना है गाइस, ऐड करना है लाइट स्लाइडर से ही, लेकिन अलग अलग ऐड करना है, सब में एक सेम ऐड नहीं करना है। उसके बाद आपको जो वीडियो है वो अच्छा नहीं लगेगा अगर सेम ऐड करोगे। तो अलग अलग आपको ऐड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ तो ऐड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। गाइस यहाँ पे मैंने सब में ऐड कर लिया है, कुछ बचा है तो यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस कुछ मैंने इस प्रकार का ऐड कर लिया, सब जो जितना भी बैकग्राउंड था सब में अलग अलग तरीका के मैंने ऐड कर लिया। अब मैं वीडियो पर करके आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार का आपका जो बैकग्राउंड है वो बन चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो आपका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से बनेगा अगर आप सब में ऐड कर देते हो तो। उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांजिशन में जाना है, फिर से आपको वही करना है गेट मोड में जाना है और ये वाला ट्रांजिशन आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको दिखाई दे रहा होगा क्रॉस लाइन, तो ये क्रॉस लाइन आपको डाउनलोड कर लेना है गेट मोड पे क्लिक करके। उसके बाद आपको मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ। गाइस इसमें एक फीचर है कि आप जैसे इसको ऐड करोगे तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा कलर, आप इसको यहाँ से कलर, इसका जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो। आपको जो भी कलर लगाना है वो भी कलर लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने लगाया और दूसरे वाला में आपको लेना है और इसमें भी आपको कोई दूसरा ही ऐड करना है, क्रॉस लाइन से लेना है बट दूसरा ऐड करना है, सेम नहीं। यहाँ पे देख सकते हो 6 हैं तो 6 में आप अलग अलग डाल सकते हो। तो इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ मैं और उसके बाद मैं सबको ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे सब में ऐड कर लिया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सब में ऐड हो गया अलग अलग तरीके से और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आप भी इस तरीके का ऐड कर लेना डाउनलोड करने के बाद। अब आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है और एक इमेज लेना जो आपको बैकग्राउंड में लगानी है, मतलब पीछे लगानी है, तो वो इमेज को लेना है और इसका जो एपेसिटी इसको थोड़ा बड़ा कर देने के बाद एपेसिटी इसको थोड़ा घटा देना है। एपेसिटी घटाने के बाद इसको एक साइड में लगा देना है। ऐसे मैंने इसको ऐड कर लिया है और इसका लेंथ पूरा फुल कर देता हूँ इस साइड से उस साइड तक। और मीडियम क्लिक करना है फिर से और डाउनलोड में सॉरी गाइस इमेज भी जाना है और आपका जो भी इमेज है वो इमेज को ले लेना है फिर से दूसरा इमेज जो है। तो मैं यहाँ पर ये वाली इमेज को ले लेता हूँ और यहाँ से इस प्रकार से इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसको थोड़ा अच्छे से ऐड कर लिया गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो है लेंथ, इसका भी लेंथ है यहाँ पे आपको बढ़ा देना है। तो मैं इसको इसका भी लेंथ बढ़ा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, लेयर भी क्लिक करना है और मीडिया भी क्लिक करना है और एक इफेक्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ये वाला इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है और इसका जो इफेक्ट का जो ब्लेंडिंग है स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ पे इफेक्ट लग चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो लग रहा है देखने में। तो उसके बाद क्या करना है मीडिया पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और एक लिरिक्स वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा ऊपर साइड से और दोनों साइड से और नीचे से हर तरफ से इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देना है, क्रॉप पे जाके। और क्रॉप करने के बाद फिर भी रह गया ऊपर में वाटरमार्क, आप लोग ध्यान देना वाटरमार्क आ जाएगा वरना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्रॉप करने के लिए। तो यहाँ से मैंने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेंड टू बैक,
सेंड टू बैक पे क्लिक करना है और यहाँ ब्लेंडिंग दिखाई दे रहा है, स्क्रीन कर देना है और इसका जो साइज सॉरी गाइस इसको यहाँ से उठा करके आपको ऊपर साइड लगा देना है और यहाँ जो आपको जो इमेज है वो जो पीछे वाली इमेज है उस पर क्लिक करना है और उसका भी सेंड टू बैक यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। तो अब मैं अपनी वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो टेक्स्ट है वो बंदे का मतलब अगला जो इमेज है उसका पूरा फेस पे जा रहा है, तो उसका टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब मैं अपनी वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। गाइस आप जो वीडियो लग रहा है देखने में इतना मस्त लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, आप लोग खुद देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, ओवरले पर क्लिक करना है तो और यहाँ से मिस्ट्री फॉग को आपको डाउनलोड करके यहाँ से कुछ इस प्रकार से अपनी वीडियो में ऐड कर लेना है। तो गाइस मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था कि आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे मिस्ट्री फॉग को यहाँ पे ऐड कर लिया और कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो लग रहा है देखने में, आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है, शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और 1080p 35 मिनट पे अपने वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस जितना भी इमेज सॉरी गाइस इमेज तो मैंने यूज़ नहीं किया, जितना भी वीडियो को मैंने यूज़ किया सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दे। तो गाइस मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, वंदे मातरम।